नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा आज आपके सामने एक पुस्तक की मैं चर्चा करूंगा। पुस्तक का नाम है टिबेटन मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू योग शतक और ये वैद्य भगवान दास द्वारा लिखी हुई है। ये पुस्तक मैंने अमेरिका से मंगाई है, पुस्तक अप्राप्त है भारत में। और इस पुस्तक में तिब्बत मेडिसिन जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं उसी का इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। इस पुस्तक में बताया हुआ किस प्रकार प्रकृति या प्राकृतिक चीजें हमें बहुत सारे रोगों से बचाती हैं। भारतवर्ष ने ऋषि मुनियों ने यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कॉन्सेप्ट दी कि सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। इतने मौसमी फल, इतनी मौसमी सब्जियां, इतने प्रकार के मौसम व्यंजन और हर 10 किलोमीटर पर एक स्टार्टअप के तहत एक अच्छी मिठाई, एक अच्छी नमकीन, ये चीजें मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने इनका विलोप कर दिया, हमने नष्ट कर दिए ये चीजें। पेय पदार्थों का देखें तो आजकल कोका कोला के अलावा कोई नाम ध्यान नहीं आता है, जबकि भारतवर्ष में हमारे उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो दही की लस्सी, पुदीने के ठंडाई, आम का जूस, बेल पत्थर का जूस, नींबू पानी, इतने पेय पदार्थ होते हुए भी हम कोका कोला की तरफ भागे जा रहे हैं। यहाँ पे गंगा यमुना जैसी नदियां होते हुए भी हम बॉटल्ड वाटर पर आ गए, तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है ये आपको सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तुलसी का इतना उपयोग है कि अगर हम तुलसी के बीज का प्रयोग करते रहे या तुलसी पत्र का प्रयोग करते रहे तो हमें कैंसर की सेल्स नहीं बनेंगे, हम कैंसर सेल्स से बचे रहेंगे। आज अमेरिका में जाइए तो हर दूसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और धीरे धीरे ये बीमारी भारतवर्ष में भी आती चली जा रही है। गंगोत्री के आसपास एक वन ककड़ी करके एक छोटा सा फल मिलता है, अगर उसका सेवन कर लिया जाए तो ब्लड कैंसर नहीं होगा। इसी तरह की अन्य वनस्पतियां उत्तराखंड में मिलती हैं, अगर उसका सेवन किया जाए, उनमें से एक प्रमुख है छोटी सी अगर जड़ी को उबाल के पी लिया जाए तो आपको सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन आयुर्वेद की ये पत्तियां, ये पेड़ पौधे, पौधों पर से हमारा विश्वास समाप्त होता चला गया। एक अंग्रेजी दवाई वो किसने बनाई है, कौन उसका मैन्युफैक्चरर है, उसके अंदर कितनी मात्रा डाली गई है, कितनी MG की है, उसे लेके हम अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं। इसी पुस्तक में बताया हुआ है जो आजकल के प्रमुख रोग चल रहे हैं कि अचानक व्यक्तियों को हार्ट अटैक हो रहा है, जवान व्यक्ति धीरे धीरे किस तरह से मधुमेह से पीड़ित होते जा रहे हैं, हार्ट अटैक की आगोश में चलते चले जा रहे हैं। इस पुस्तक में चर्चा की गई है किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मेरा भी यही प्रयास है कि हम एक जागृति, एक चर्चा, एक सत्संग हम आरम्भ करें जहाँ एक विचारों का आदान प्रदान हो और लोग जागरूक हों अपने स्वास्थ्य के प्रति, वे इसी तरह से जन्म ले और मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, यही मेरा विचार है और यही मेरी परिकल्पना है कि सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।